हे फ्रेंड्स, केम छो? वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम जा रहे हैं कावी कम्बोई के स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। कावी कम्बोई जाने के लिए बड़ौदा से पादरा, पादरा से जम्बूसर और जम्बूसर से कावी कम्बोई पहुंच सकते हो। बड़ौदा से कावी कम्बोई 70 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए, आइए हमारे साथ चलते हैं महादेव के धाम। ओम नमः शिवाय। सुवर्णवाहन प्रियाय सूर्यकोटि तेजसे सुवर्ण पद्मिनी तटात दिव्य हर्म्य वासिनी सुवर्ण। ये है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। ये इकलौता मंदिर ऐसा है जो भर्ती होत के कारण समुद्र में समा जाता है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर अरब सागर के मध्य में स्थित है और इसी जगह पे मही नदी और साबरमती नदी दोनों के संगम स्थान भी है। इस मंदिर का उल्लेख शिव पुराण में भी किया जा चुका है। शिव पुराण की कथा के अनुसार तारकासुर नाम के एक शक्तिशाली राक्षस था। वो राक्षस शिव भगवान का परम भक्त था। तारकासुर के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें मनचाहा वरदान दिया था। तारकासुर ने पहले तो अमरत्व का वरदान मांगा था, पर शिव जी जानते थे कि ये वरदान प्रकृति के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने तारकासुर को दूसरा कोई वरदान मांगने को कहा। वरदान ऐसा था कि उस असुर को शिव पुत्र के अलावा और कोई नहीं मार सकता था और शिव पुत्र की आयु सिर्फ 6 दिन की होनी चाहिए। शिव भगवान ने तारकासुर को ये वरदान दे दिया और अदृश्य हो गए। तारकासुर मन ही मन अपने आप को अमर मानने लगा, क्योंकि वो जानता था कि शिव भगवान योगी है और वो विवाह के बारे में सोचेंगे नहीं। वरदान मिलने के बाद तारकासुर तीनों लोक में आतंक फैलाने लगा और निर्दोषों की जान लेने लगा और स्वर्ग का सिंहासन छीन के खुद को इंद्र घोषित कर दिया। और ये बात सुनकर सभी देवी देवता और शिव जी के पास गए और तारकासुर का वध करने की विनती करने लगे। तदुपरांत श्वेत कुंड से 6 दिन के कार्तिकेय का जन्म हुआ और कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। वध करने के पश्चात कार्तिकेय को ये जान के बहुत दुख हुआ कि तारकासुर एक शिव भक्त था। अपने पापों का प्रायश्चित करने हेतु कार्तिकेय देवताओं के पास सुझाव मांगने गए। तभी विष्णु भगवान ने कार्तिकेय को ये सुझाव दिया कि जिस जगह पे तारकासुर का वध हुआ है उस जगह पे शिवलिंग का स्थापन करके पूजा की जाए। और उसके बाद विष्णुकर्मा की सहाय से भगवान कार्तिकेय ने इसी स्थान पे मंदिर का निर्माण करवाया और तभी से ये स्थान स्तंभेश्वर महादेव कहलाया जाता है। तो आप देख सकते हो मैं पूरा किनारे पे आ चुका हूँ। पीछे मंदिर है, यहाँ तक आओ तो संभल के आना क्योंकि कीचड़ बहुत है। Sada Namah Shivaya Te Sada
तो फ्रेंड्स पानी का लेवल पूरा कम हो चुका है, आप देख पा रहे हो शिवलिंग पूरा साफ दिखाई दे रहा है और यहाँ मंदिर के अंदर के लोग सब साफ सफाई कर रहे हैं और दर्शन करने के लिए भी भीड़ लगी हुई है। मंदिर के बिल्कुल सामने नंदी महाराज विराजमान है। एक बार नंदी की भक्ति देखकर शिवजी ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया था कि कोई भी भक्तगण अगर अपनी इच्छा व्यक्त करेगा तो सबसे पहले तुम्हें सुनाई देगी। भर्ती ओत के टाइमिंग में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप, हम दर्शन करके आए हैं, पहले पानी वहाँ था, अभी पानी कितनी दूर जा चुका है वो देख सकते हैं, पूरा दूर जा चुका है। और पुजारी का कहना है कि मंदिर से 3 किलोमीटर दूर तक पानी चला जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको भी ज़रूर आना चाहिए इस मंदिर में, बहुत अच्छा मंदिर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।